इंदौर के एक मूकबधिर परिवार में जन्मी वर्षा डोंगरे द्वारा मिस इंडिया बनकर इंदौर शहर का नाम रोशन किया गया। वर्षा डोंगरे अपनी इन्हीं उपलब्धियों के साथ इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता भी मूकबधिर हैं, जिसमें पिता की मौत हो गई है। मैं शहरवासियों और परिवार के सहयोग से एकमात्र मिस इंडिया प्रतियोगिता में प्रतिभागी थी जो कि मूकबधिर थी और इस प्रतियोगिता में सफलता अर्जित की। अपनी सफलता का श्रेय परिवार और रहवासियों को देना चाहती है, साथ ही इस शहर के विकास में व्यक्तित्व अगर कोई काम आ सके मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। वर्षा डोंगरे ने मीडिया से चर्चा करते हुए सांकेतिक भाषा में यह जानकारी दी। 2018 में इनका नाम वर्षा डोंगरे है और ये इंदौर से ही है। अच्छा, वो और ये बोलना चाहती हैं कि ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, तो उनके जो अलग अलग कोई एड हो या कोई होल्डिंग्स में इनको शोकेस किया जाए, इनका चेहरा लिया जाए, ताकि आगे और भी जो डेफ लोग हैं वो उनको देख के मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।